तो दोस्तों चलिए अभी हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। जो कार का मोबाइल होल्डर हमने मंगाया है, परफेक्ट। तो ये है हमारा एंड आइटम, ये देखिए, वंडरफुल। एंड इसमें आपको जब एडजस्टमेंट्स वगैरह भी दिखाई हुई हैं कि इसके एडजस्टमेंट लेवल्स कैसे हैं, सूटेबल आपका जो फ़ोन है उसकी 4 इंचेस टू 6.9 इंचेस के सब फोन्स इसमें इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। सेल फोन होल्डर, इसमें आपको मल्टीपल इमेजेस भी दिखाई हैं, वो कैसे कैसे या कौन सी जगहों पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसमें से जो हमारे मेन दो आइटम्स निकले हैं वो है 1 एंड 2। क्वालिटी वाइज आई थिंक इट्स डूएबल, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। बेसिकली क्या होता है, इसको हम अभी इसको जस्ट एक अनलॉक कर देते हैं। ये देखिए कुछ इसको इस तरीके से आप इसमें डालेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट दिस ऐसे, यू हर्ड द क्लिक। एंड देन क्लिक के बाद ये कैसे होता है, ये इसमें अभी फंक्शन करना चालू कर देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यूं करके यू पुट द लॉक, ये आपके मोबाइल के लिए जैसे लॉक हो जाता है एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली गोज। इसमें आप चाहिए तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कम, इसको स्ट्रेट रख सकते हैं, इसको और ज़्यादा स्ट्रेट रख सकते हैं। एंड तो आपका टॉप मोमेंट है, आपका जो टॉप ये सेक्शन है, ये आपके मिरर पे जाके लगता है, जो आपका रियर व्यू मिरर है उस पर कैसे लगेगा अभी हम देख लेते हैं डेमो एक। ये जो आपको यहाँ पे स्पिन दिया हुआ है, इसको जस्ट आपको स्पिन करना है एंड देन एज सीन आपकी ये स्क्रू डाउन करते जाइए, स्क्रू डाउन स्क्रू डाउन। ओके, तो जब भी आपका यहाँ पे मिरर आ गया तो आपको मिरर के पीछे जाके इसको जाके लॉक करना है एंड देन आपको इस तरीके से आपका मोबाइल नीचे हैंग होके मिल जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैं आपको अपनी कार में इसको लगा के आपको डेमो दिखा दूंगा। एंड द गुड थिंग एक्चुअली हमारी खुद की जो कार है वो सिल्वर कलर है एंड इन लोगों ने जो यहाँ पे कलर यूज़ किया है वो ग्रे यूज़ किया है, ब्लैक एंड ग्रे। तो ये जो मेरे कार के इंटीरियर्स हैं उसके साथ एक जस्ट परफेक्ट ही जाने वाला है। आई डिन नो एक्चुअली वो ऐसे कलर में आएगा, आई वॉज सीन एक्चुअली उसमें मोस्टली जो कलर्स आप देखते हो उसमें जो दिखाते हैं ज़्यादातर वो ग्रीन ग्रीन कलर दिखाते हैं यहाँ पे। तो आई वॉज इन श्योर एक्चुअली कौन सा कलर आएगा, बट आई एम वेरी प्लीज्ड विद द क्वालिटी एज वेल एज इसका जो मोमेंट्स हैं कि आप इसकी मोमेंट्स कैसे कैसे सेट कर सकते हो। इसको नॉट जस्ट एक्चुअली आपको एक इसमें जो अलग अलग जैसे मैंने बताया आपको इसमें दिया हुआ है, इसको आपको जस्ट नॉट एक कार, आपको अगर इसको अपने वार्डरोब के साथ अटैच करना है, आपको बेड पे लगा सकते हो, आप किसी शेल्फ पे लगा सकते हो, आप सीट पे भी, कार की सीट पे भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से कार की बैक सीट पे लगा सकते हैं, ये आपकी डेस्क पे लगा सकते हैं, ये आपको चेयर पे लगाया हुआ है एंड देर आर मैनी वेज यू कैन यूज़ एज लॉन्ग एज आपको इसको जस्ट स्क्रू डाउन करना है एंड जहाँ पे भी आपको इसको लगाना है उसको आप इसको वहाँ पे जस्ट एक स्क्रू अप कर दीजिए एक अच्छी टाइट पोजीशन, क्योंकि उन लोगों ने जो दिया आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रिप दी हुई है और मोबाइल होल्डिंग के लिए दोनों साइड अच्छी खासी ग्रिप दी हुई है, तो उसमें आपको मोबाइल को भी डैमेज नहीं होगा एज लॉन्ग एज आपको ये ग्रिप्स हैं। एंड चलो उसकी अभी ये देख लेते हैं कितना टेंशन कितना है, टेंशन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत लूज़ नहीं है। तो जब आप इसमें मोबाइल लगा देते हो एक होल्डर, एक कार जब आप ड्राइव करते हो तो कभी कुछ एक सडन जर्क्स आ जाते हैं तो मोबाइल गिरने के चांसेस ना हो, तो उस हिसाब से इसकी टेंशन भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम अभी इसको कार में लगा के डेमो दिखा दूंगा और मैं कुछ 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 इमेजेस शेयर भी कर लूँगा कि इसको मैंने कौन सी अलग अलग जगहों पर भी ट्राई किया है कि ये कैसे लगता है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी गाड़ी है जो कि है ग्रैंड आइथेन। तो इसे सबसे पहले जो हम करेंगे इसको स्क्रू डाउन करेंगे, स्क्रू डाउन करके ये जो हमारी जगह है जो यहाँ पे आपको ग्रिप्स दी हुई हैं इस ग्रिप्स को हमें बड़ा करना है कि
आपका यहाँ पे बिहाइंड द मिरर जो आपकी बार है उस पर ये सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक वायर है जो कि मेरा मिरर पे बैक कैमरा का, बैक रियर व्यू का भी इसी मिरर में है। तो पार्किंग सेंसर्स का जो मुझे यहाँ पे इसी में ही दिया हुआ है सेकेंड मिरर। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये आप देख पा रहे हैं हमारी मिरर बार, एंड हमें इसे स्क्रू को ओपन करके रखा है, इसे मिरर बार के यहाँ पे ऐसे सेट करना है, देन ऑल यू हैव टू डू इज स्क्रू अप। हमें अच्छी तरह से इसे टाइट कर देना है। ओके, तो ये यहाँ पे फिट हो रखा है, एंड आपको ध्यान देना है अगर आपकी वायर है यहाँ पे तो आप वायर को साथ में ना बांधें, जस्ट एक उस बाहर पे इसको बांधना है आपको। एंड देन आप देख पा रहे हैं ये आपका मोबाइल होल्डर अभी यहाँ पे लग चुका है। एंड अभी हम इसे क्या करेंगे, आपको अपने जिस प्रकार से आपको उसका व्यू चाहिए आपको उसे वहाँ पर सेट करना है। फॉर इंस्टेंस जैसे हमने यहाँ पर सेट किया है, यहाँ पे भी ऐसे भी रख सकता हूँ कि मुझे जस्ट उसका व्यू क्लियर आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा रियर व्यू रहेगा। एंड देन आपको यहाँ पे ऐसे मोबाइल होल्डर भी आपका इजीली बैठ सकता है, इफ़ नॉट देन आप उसको जस्ट घुमा दीजिए। इसके अलग अलग लॉक्स हैं, बट जब भी आप इसको यूज़ करें मेक श्योर आप इसको ना जेंटली एक जगह से पकड़ के कीजिए, क्योंकि आप इसको ओवरली मतलब एक पावर नहीं लगाना उसको, क्योंकि आप उसको तोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे भी हो गया, आप चाहिए इसको वर्टिकल या आपको चाहिए तो आप इसको हॉरिजेंटल भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं क्या करूँगा, आपको कुछ मोबाइल लगे हुए आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि मोबाइल लगे हुए के साथ ये सेक्शन या आपका मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ कैसे दिखता है। मैं जस्ट एक मैप भी ऑन उसमें करके आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने अभी जस्ट अपना मोबाइल यहाँ पे लगा दिया है, जस्ट मैंने GPS पे कुछ सेट करके रखा है, एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अपना मोबाइल इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड एक्चुअली जिस प्रकार मतलब जिस डायरेक्शन में वो लगा हुआ है, क्योंकि हम ऑल अलॉन्ग जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम साइड मिरर्स एज वेल एज रियर व्यू मिरर में भी चेक करते रहते हैं, तो जब भी हम इसे चेक कर रहे हैं उसी प्रकार से आप जैसे इस स्क्रीन को चेक करते हो तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। बट अगेन एक चीज़ रिकमेंडेड है, आप उस जगह पे लगाइए जहाँ पे आपको ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि ड्राइविंग सेफली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई होप ओके, तो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ जस्ट परफेक्ट।